इतने कैन खाली कर दिए, अभी 2 से 3 हो गए, इतने बड़े बड़े कैन। सो एज ऑलवेज नमस्ते भाई, उनके बहनों मैं हूँ आपका पीएम के लॉग्स। आइए कुछ नया देखते हैं। क्या गर्मी होती थी यार, आजकल नहीं, क्या मौसम का भी कुछ आता पता रहता नहीं है, मतलब क्या कभी धूप आ रही है, कभी छाव आ रही है, कभी बारिश आ रही है, ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है यार। झाड़ वाड़ लगाओ यार, कैसे करते हो तुम, कंजूसी नहीं करना है झाड़ लगाने में, ठीक है। तो अभी नहीं, क्या बहुत अच्छी न्यूज आई है 10th और 12th के लिए, ये है कि CBSE ने 10th की एग्जाम कैंसिल कर दी है। अगर आप 10th में हो तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, और 12th का भी पोस्टपोन्ड हुआ है, और 1 जून को बताएंगे कि क्या कैसा होएगा। कोरोना के केसेस अगर कम होते तो एग्जाम होंगी, अगर बढ़ते हैं तो एग्जाम 12th की भी कैंसिल हो जाएगी। CBSE की होती है तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड भी यही करेगा। तो अगर CBSE की गुड न्यूज है ना, मतलब हमारे लिए भी गुड न्यूज है, अब खुशी का मौका है। उसको मैंने फोन किया था, यश को, रिया को, पीयूष को, ये सबको कॉल करके पूछा, सब पार्टी कर रहे हैं, मतलब तो अभी अगर आप लोगों ने कल के व्लॉग में मुझे ऑब्जर्व किया होगा ना, तो आपको समझ में आया होगा कि ये 35 दिन में मेरे पास आई वॉच आई तो आई कहाँ से। एक्चुअली ये जो आई वॉच है ये नकली है, आई मीन टू से फर्स्ट कॉपी है, और ये यश की है, वो मैं इंटरव्यू देने गया था ना तो तब मैंने ली थी, और ये तब से मेरे पास ही है। कि मेरे को इंस्टाग्राम पे एक बार DM आए थे कि भाई तूने आई वॉच कब ले ली, ये ना वो, ऐसा गलत फैमिली में मत रहना, ठीक है, इतना अमीर नहीं हो गया मैं। ये जब आएंगे तब मैं बता के खरीदूंगा और उसका व्लॉग भी बनाऊंगा, ठीक है। हाँ तो अभी नहीं, मुझे आप लोगों से थोड़ा सा सजेशन चाहिए था, क्योंकि अभी नहीं, मैं पॉडकास्ट का चैनल खोलने वाला हूँ अभी बोर्ड के बाद। तो आपका कोई फेवरेट यूट्यूबर हो जिसको मैं पॉडकास्ट में ला सकता हूँ, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है। वो वाले पॉडकास्ट चैनल पे नहीं, क्या मैं ऐसा नहीं, भेदभाव नहीं करूँगा कि ये बड़ा यूट्यूबर है इसलिए इसको लूँगा, छोटे यूट्यूबर के साथ भी लेंगे। ऐसा सोचना कि जिसको जो यूट्यूबर का काम पसंद आता है वो यूट्यूबर का वो पॉडकास्ट देख सकता है, और वो ऑब्वियसली फ्री रहेगा, ठीक है, यूट्यूब पे। बाकी सब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे भी रहेगा, जैसे कि स्पॉटीफाई पे भी आता है पॉडकास्ट। मेरे को बताओ यार, कोई अगर यूट्यूबर होगा जो मेरे को हाँ कर देगा पॉडकास्ट के लिए, तो प्लीज़ कमेंट में बताओ कौन सा यूट्यूबर के साथ पॉडकास्ट बनाना चाहिए, करो आप कमेंट करो, आपका ही वो कमेंट सेक्शन। तो अभी आप सभी को पता है कि मेरी मम्मी कोविड पॉजिटिव थी, अभी है कि नहीं पता नहीं मुझे। तो अभी मम्मी को क्वारंटाइन होते हुए 7 दिन हो गए, और ये 7 दिन में नहीं, क्या मेरे को सही में इंपॉर्टेंस पता चला है मम्मी का क्या होता है लाइफ में। क्योंकि यार बहुत सारे काम होते हैं जो मम्मी कर देती है और आपको पता भी नहीं लगता उसमें कितनी मेहनत होती है। मम्मी सुबह झाड़ू पोछा ये सब करने में बहुत मेहनत लगती है, और ये 7 दिन में मुझे पता लगा है कि अपने को ये लगता है कि ये बहुत छोटे मोटे काम है, लेकिन ये जब सही में करने जाते हो ना आप, तो ये बहुत सही में मतलब कितनी मेहनत लगती है। एक्चुअल में वो लोड होता है वो अब जाके पता लगा है। मैं बोलना चाहूँगा कि आप नहीं, क्या मम्मी के हाथ बटाया करो अभी आप फ्री हो तो, ठीक है, मैं ये बोलना था इसलिए मैं बता दिया, ठीक है। लड़कों ने भी सीखना चाहिए और सही में मतलब करना चाहिए, हाथ बटाया करो, अच्छी बात है। अगर आप लोग ये बात से एग्री करते हो तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक कर देना इस बात के लिए। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो अब अपन बात करते हैं, मैं बोल रहा था ना कि अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताऊंगा आप लोगों को। 8 बजे के बीच में मेरा एक ख्याल आया, जब मेरा इंटरव्यू आ जाएगा यूट्यूब पे या टीवी पे, तब आपको उसका रिएक्शन वीडियो भी बता दूंगा, और उसका एक्सपीरियंस क्या था, कैसा क्या हुआ, वो सब मैनेज, तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। मज़ा नहीं आएगा जब तक कि मैं आपको शॉर्ट्स नहीं दूंगा, और मेरे पास वहाँ के शॉर्ट्स भी नहीं है, ठीक है। मैं सोचा था कि व्लॉग बनाऊंगा लेकिन बनाया नहीं, इसलिए ये वीडियो के लिए बस यहाँ तक ही रखते हैं। मैंने कल कहा था कि आप लोगों को मीम बनाना है, अभी तक नहीं किया, मेरे को 3 से 4 मीम्स आए हैं, और वो मैं अभी ये वीडियो के एंड में लगा दूंगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक के नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, अभी कल वाला वीडियो में भी डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मीम्स देख के जाना, भूलना मत, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, होप्स आपको देखने में मज़ा आया होगा, अगर आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एज ऑलवेज थैंक यू फॉर सेंड दिस शेयर्स, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, सो मीट यू इन नेक्स्ट व्लॉग, गुड बाय, बूम। ये मैं हूँ, ये मेरा चैनल है, और ये बिल्कुल ग्रो नहीं हो रहा। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? चल, तुम्हारे कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ?
साले मैंने कुछ पूछा? और कल भी मैंने ऐसी सीखी है, पापा गए ऑफिस, मम्मी सोई थी अंदर और मैं चाबी उठाया और मैं लेके भाग गया और किसी का रुक जा, देखो बताता गाड़ी चला रहा अभी, सॉरी सॉरी पता ही नहीं चला। मेरा भाई आया था मुझे देखने की, कहा गया कार लेके, क्योंकि किसी को भरोसा नहीं रहता ना कि ठोक ठाक देगा एंड ऑल ये सब रहता, तो वही दे दे दे।